हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। मंथ दिसंबर के लिए असाइनमेंट 5 सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं हमारे चैनल की तरफ से। और मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों। क्लास 10 साल सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में आप लोग जरूर देखेगा, ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, जो बोर्ड में आने लायक है, ऐसे क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करके बनाए गए हैं। हमारे चैनल में बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको स्टडी मटेरियल बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। आइए देखते हैं सोशल साइंस का असाइनमेंट 5। क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बिकम पॉसिबल। आंसर है, प्रोटेक्ट्स एंड पीस मूवमेंट ऑफ कॉमन पीपल स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन अमेरिका एंड यूरोप। लाख्स ऑफ वुमेन, मैन एंड सिटीज चिल्ड्रन टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट एंड डिमांडेड द गवर्नमेंट ऑफ देयर ऑन कंट्री टू डिस्ट्रॉय देयर न्यूक्लियर वेपन विदाउट एनी कंडीशन एंड नॉट अलाउ एनी अदर कंट्री टू कीप देम इन देयर लैंड ड्यू टू द प्रिजर्व प्रेशर ऑफ दिस मूवमेंट। द लीडर्स ऑफ रूसिया एंड अमेरिका थॉट ऑफ क्रिएटिंग ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। फाइनली इन 1998 डिसआर्ममेंट वॉज मेड पॉसिबल बाय द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ कंट्री इन रिजविक एंड इन द यूएस कैपिटल वॉशिंगटन। क्वेश्चन 2 है, राइट द स्पेशल थिंग्स अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आंसर है, द फॉलोइंग आर द थिंग्स अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल सिटीजन गॉट ए चांस वोट बाय एग्जैक्टिंग एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड है, अबाउट 2,24,000 पोलिंग स्टेशन वर सेटअप। 3, लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन वेयर हेल्ड। क्वेश्चन 3 है, इफ देयर आर मोर यूथ इन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री देन वाट विल बी द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। यूथ ग्रुप इज मोर इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, इट मीन्स दैट देयर इज मोर वर्किंग पॉपुलेशन, देयर आर मोर वर्कर एंड लेस डिपेंडेंस। बिकॉज द यूथ आर मोस्टली वर्किंग समवेयर, दिस विल स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन 4 है, राइट द रीजन वाई द स्टेट वॉज रिकोगनाइज ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। पीपल स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज लाइक द सेम प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट दे डिमांडेड दैट द स्टेट शुड बी रिकोगनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द ब्रिटिश वेयर लेटर रिकोगनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन द रीजन। तो ये क्वेश्चन 4 के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, इंडिया इज प्रॉस्परस कंट्री हुज रेसिडेंट्स आर पुअर, डिस्क्राइब इन डिटेल। आंसर है, पहला, फर्स्ट, फॉलोइंग आर द मेन ग्राउंड फॉर कॉलिंग इंडिया प्रॉस्परस कंट्री। जनरल लोकेशन, इंडिया इज जियोग्राफिकल लोकेशन इज फेवरेट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इन द नॉर्थ द हिमालय एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ एन वेलिजेंट वॉच डॉग। द कंट्रीज लोकेशन ऑन द एंड इंडियन ओशियन कनेक्ट इंडिया विथ वेरियस इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। दस द जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया इज वेरी सुटेबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉरेन स्ट्रेट। सेकेंड है, मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू विच डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर डन इन द कंट्री। ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन वी कैन ग्रो विद डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप। थर्ड है, इमेंस जल शक्ति। वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द कंटिन्यूस रिवर और ग्रेनेटिंग फ्रॉम द हिमालय। दिस रिवर हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एन एग्रीकल्चर कंट्री। टूडे वी इरीगेट विथ दिस वाटर पावर एंड जनरेट थाउजेंड ऑफ
kilowatt of electricity, but even today we are not able to make full use of them. Fourth है forest wealth. 39% of the total area of India is forest area. We get tule, oil, gum, timber, caoutchouc, lac, leather or dyeing materials from forest. If forest wealth is exploited efficiently, then it can prove to be very useful for the development of the country. Five है abundance of resource of power and mineral. India is a rich country in term of minerals and resource of power. The reserve of iron, 1/4 of total reserve of the world. India is also ahead in mica and manganese production. There are also abundant deposit of coal, bauxite, gypsum. There is also sufficient stock of substance thorium, uranium, etc. to generate nuclear power. Question 6 है राइट ऑब्जेक्टिव द मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन पंजाब एंड असम. द पर्पस ऑफ द एजिटेशन ऑफ बोथ द स्टेट असम एंड पंजाब वॉज नॉट ओनली दैट वर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन दिस स्टेट, बट दिस मूवमेंट हैज हैड मैनी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव लाइक. फर्स्ट है the people of both states wanted that the people of the state should get the maximum benefits of the resource of the state and they should be freed from the interference of other states. Both the state wanted freedom from the right control of the center and autonomy in their internal affairs. They were demanding more rights for the states. The people of Punjab believe that the absence of autonomy, they are not getting the benefits of green revolution, but other states are getting it. A similar demand was made by the people of Assam that the people of other states should not exploit the resource of the state, but their own state should get its benefits. It is clear that the movement of both states had broad objectives. Social science के और भी अदर जो subject हैं उनके भी मैंने upload कर दिया है, हिंदी English बहुत ही बढ़िया answer है. आप लोग एक बार भले आप सारी video ना देखें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप मेरे channel के जितने भी assignment डला हुआ है उसके answer को एक बार notes जरूर झांक कर देख लीजिएगा दोस्तों. दूसरे चैनल के आंसर से बेहतरीन बेस्ट तरीके से आंसर लिखा गया है, साफ सुथरे प्रिंटेड राइटिंग में है ना. तो आप लोग उसको जरूर वाच कीजिए, देखिए है ना. भले मत लिखिए लेकिन एक बार आंसर का मिलान जरूर कर लीजिए ताकि आप सही लिखे हैं कि नहीं वो पता चल सके.